हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 इकोनॉमिक चैप्टर द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर, आई टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम ऑफ प्रोडक्शन सच एज आई टोल्ड अबाउट फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इंजीनियर, इट मींस फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन लेबर। बट द न्यू टॉप नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन पालमपुर, यानी फार्मिंग एग्रीकल्चर, हाउ फार्मिंग इज, यानी हाउ प्रैक्टिस। द फर्स्ट टॉपिक इज लैंड इज फिक्स्ड, यानी इन प्लेस ऑफ पालमपुर लैंड इज फिक्स्ड देयर स्टूडेंट्स। और फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन, फार्मिंग इज द यानी मेन एक्टिविटी, सॉरी फार्मिंग is the main activity in Palampur, yani kya main activity, approx 75% people are engaged, 75% people are engaged in farming activities, so it is a main activity of Blaze Palampur, yani Palampur kya ye main activity hai, but their strengths of farming, yani their livelihood, yani apni aajivika mein log wahan ke lage hain, they could not farm from the farm labor, they could be farmer or farm laborer, यानी वो कुछ भी हो सकते हैं उसमें, यानी all peoples have not own land, some do work in our field, then it is own field, and some peoples are doing the work in other fields, यानी large farmers. Any peoples are related to the production of the farms. Peoples are related to the production of the on the farms. यानी काम पर करते हैं, farms भी करते हैं. But remember, there is a basic needs. ये basic constraint of the raising farm production practically in 1960. 1960 till 1960 in Palampur there was no expansion of land. In 1960, yani no expansion on land. Yani land में कोई भी expansion नहीं हुआ students. Yani no expansion in land area. So that's all students, and under the cultivation, any land area under the cultivation, any cultivation में कोई भी जो land थी वो जितनी थी उतनी उतनी रही, कोई expansion नहीं हुआ, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं students. अब some of the base land in the village has been converted into cultivated land. Waste land converted in cultivated land. Any waste land converted into cultivated land. And is increase farm production by the bringing new land under cultivation. यानी क्या किया हमने, जो production था, increment था, वो इस land को convert करके उसमें increment लाया गया. Next topic number 2 students. And now the students, second point is there. Is there a way one can grow more from the same land?
स्टूडेंट दे आर सेइंग दैट एक साथ में यानी एक क्रॉप्स पे ग्रो करने के साथ उसी सेम लैंड में हम वन कैन ग्रो मोर क्रॉप्स यानी एक के साथ अधिक जैसे एक से अधिक क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. सो हियर स्टूडेंट्स पालमपुर यू नो वेरी वेल ग्रोज एंड यानी द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल. पालमपुर इज द वुड पालमपुर वुड रिजेंबा पिजा पार्ट ऑफ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट इन उत्तर प्रदेश. आई टोल्ड इन प्रीवियस टाइम इट इज अ इमेजनरी विलेज. सो हियर स्टूडेंट्स ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. सो देयर नो लैंड इज लेफ्ट आइडल यानी कोई भी लेफ्ट वहां पर जो लैंड है वो छूटी हुई नहीं है. एंड देयर इज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्टूडेंट्स रेनी सीजन है कौन सीजन है स्थाई क्रॉप्स. रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स. अब स्टूडेंट हियर इज वी कैन से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अब हियर इज स्टूडेंट वी कैन से इज द टाइम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम वी कैन से हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन. अब ड्यूरिंग द रेनी सीजन सच आई टोल्ड खरीफ क्या है ये एक खरीफ क्रॉप है रेनी सीजन. अब हियर स्टूडेंट्स फार्मर्स कैन ग्रो. फार्मर्स कैन ग्रो ज्वार बाजरा. ज्वार बाजरा पीज एंड ग्राम. पीज ग्राम एक्सेट्रा यानी इस टाइप के क्रॉप्स हैं वो वहां पर ग्रो करते हैं और अपनी उसको क्रॉप्स को मतलब पोटैटो ऑल्सो यानी अक्टूबर पोटैटो भी कह सकते हैं. पोटैटो अब अक्टूबर टू नवंबर इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर स्टूडेंट्स अक्टूबर एंड सॉरी दिसंबर. अक्टूबर एंड दिसंबर सॉरी अक्टूबर टू दिसंबर. अब सेकेंड यानी विंटर सीजन स्टूडेंट्स विंटर सीजन हियर इज विंटर सीजन यानी क्रॉप इज रबी. रबी क्रॉप स्टूडेंट्स अब हियर इज इन रबी क्रॉप द एग्जाम्पल ऑफ इन रबी क्रॉप. अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अपने प्लांट्स थे ज्वार बाजरा यहां पर हम इसको हटा करते हैं इन चीजों को. ज्वार बाजरा ये ग्रो करते थे क्या करते थे ज्वार बाजरा ग्रो करते थे. अब यहां पर अजीब फार्म जो है वो क्या ग्रो करते हैं इसमें वीट पीज ग्राम यानी विंटर सीजन जो है आपकी विंटर सीजन रबी क्रॉप में पीज मटर या जो मस्टर्ड है. नेक्स्ट क्या है मस्टर्ड एंड दीज क्रॉप्स ग्रो एंड दीज क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज फॉर द मार्केट यानी वो क्या कर देते अपने ग्रो कर देते और जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता उसको मार्केट में सेल कर देते. फॉर एग्जाम्पल फार्मर सेल द सरप्लस व्हीट टू द प्राइवेट ट्रेडर्स यानी जो उनके पास सरप्लस होता था. सरप्लस का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा उनके खर्च करने से ज्यादा जो ग्रो हो जाता था वो उसको मार्केट में भेज देते थे. और सुगर केन यानी जो कुछ क्रॉप्स थी वो एक साथ जो फूड कॉरपोरेशन थी कुछ एजेंसी थी यानी मंडी समिति थी उनमें ले जाकर वो इसको बेच देते थे. अब स्टूडेंट्स वहां पर मेन रीजन था वहां पर कि फार्मिंग को अवेलेबल करने के लिए इरीगेशन सिस्टम वहां पर क्या था बेटर था. इरीगेशन सिस्टम यानी वेल डेवलप्ड यानी डिफरेंट क्रॉप्स इन एन ईयर पालमपुर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते थे और इरीगेशन सिस्टम था जो वेल डेवलप्ड था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी थी स्टूडेंट्स का केम अर्ली टू पालमपुर यानी बहुत पहले से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी थी. तो इलेक्ट्रिसिटी से उनके ट्यूबवेल जो भी थे वो अच्छे से रन होते थे और एग्रीकल्चर वहां पर अच्छे से होती थी इरीगेशन करते थे वो. तो इसी वजह से जो था कि उनकी जो फार्मिंग थी
वो उन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी और बहुत अच्छे से वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। तो दूसरा था स्टूडेंट्स, अब ड्यू टू, जैसे हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी रन द मॉडर्न ट्यूबवेल एंड यानी ट्यूबवेल से अपनी खेती को इरीगेटेड वो कर सकते थे और अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करते थे। एक था मॉडर्न फार्मिंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग आई टोल्ड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, सो दैट्स ऑल।